70 दिन से अब हम कन्याकुमारी से लेकर श्रीनगर की यात्रा पे चल रहे हैं। तकरीबन 2000 किलोमीटर हम चल लिए हैं और 1500 किलोमीटर और चलेंगे, और हमारे साथ लाखों लोग, लाखों किसान, बेरोजगार युवा, माताएं बहनें, आदिवासी, दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक, सब लोग हमारे साथ इस यात्रा पे चल रहे हैं। मीडिया इतना दिखाती नहीं है, मगर अगर आप वहां आए, दिखाते नहीं है बिल्कुल, अगर आप वहां आए तो आपको एक नदी सी दिखाई देगी जिसमें लाखों लोग बह रहे हैं, चल रहे हैं, और नदी में कोई नफरत नहीं, कोई इस नवंबर की शाम ऐसे ही एक कुकर में बम के साथ वो ऑटो रिक्शा में सवार होकर पंपवेल इलाके में जाना चाहता था, लेकिन जब ऑटो कनक कनाड़ी इलाके से गुजर रहा था तब कुकर बम फट गया, जिसमें मुख्य आरोपी शारिक और ऑटो रिक्शा ड्राइवर पुरुषोत्तम घायल हो गए। शारिक पर साल 2020 में बंगलुरु में दीवारों पर ग्राफिटी के जरिए देश विरोधी नारे लगाने का भी एक मामला दर्ज किया गया है। इस मामले में उसे गिरफ्तार भी किया गया था। कुछ दिनों तक जेल में रहने के बाद उसे बेल मिल गई थी। बुजुर्ग हो, जवान हो, महिला हो, पुरुष हो, कोई नहीं पूछता। और सुबह हम शुरू करते हैं, 6 बजे शुरू करते हैं, रात को 7-8 बज जाते हैं, मगर थकान बिल्कुल नहीं होती। पता नहीं आपने देखा या नहीं, मगर अभी यहां भी जब हमें गाड़ी में बैठाने की कोशिश की, मैं पैदल आ गया। यात्रियों के पैर छिल गए, दो हमारे यात्रियों की मृत्यु हो गई, शहीद हो गए, मगर यात्रा नहीं रुक रही। और मैं आपको बता भी नहीं सकता, मतलब कितनी मोहब्बत, कितना प्यार जनता हम सबको वहां दे रही है। मैं आज गुजरात आया और ये रास्ता महात्मा गांधी जी ने गुजरात से हिंदुस्तान को दिया था, हिंदुस्तान को जोड़ने का काम। महात्मा गांधी जी जो गुजरात के थे, एक गुजराती थे, उन्होंने किया था। इस यात्रा में भी आपकी सोच है, आपके संस्कार हैं, आपका इतिहास है, आपकी हिस्ट्री है। यात्रा में खुशी हो रही है, मगर दुख भी है। आप पूछोगे दुख किस बात का, भारत जुड़ रहा है, भारत नफरत नहीं है, हिंसा नहीं है, भाईचारा है, तो दुख किस बात का? भाई और बहनों, दुख किसानों से बात कर कर होता है, युवाओं से बात कर कर होता है, आदिवासियों से मिलकर होता है। किसानों को सही दाम नहीं मिलता, बीमा का पैसा नहीं मिलता, कर्जा नहीं माफ होता, युवा बेरोजगार हैं, उनके सपने टूटते जा रहे हैं। कोई इंजीनियर बनना चाहता है, पढ़ाई की, माता पिता ने पैसे डाले, आज मजदूरी कर रहा है। कल शाम को एक युवा हमारी यात्रा में आया, उसका नाम राम था, मेरे से गले मिला और रोने लगा। मैंने उससे पूछा, क्यों रो रहे हो, क्या हो गया? कहता है, कोरोना में मेरा पूरा परिवार मर गया, राहुल मैं अकेला हूं, मेरा कोई इस दुनिया में नहीं है। अस्पताल में मैंने डॉक्टरों के सामने हाथ जोड़े, रोकर हाथ जोड़े, मेरे माता पिता को उन्होंने नहीं बचाया। मेरे हाथों में मेरी मां ने अपना दम तोड़ा। राहुल मैं बेरोजगार हूं, मुझे कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। ये युवा अकेला नहीं है भाई और बहनों, ऐसे लाखों युवा हिंदुस्तान में हैं। आदिवासियों से बात करो तो कहते हैं, हमारी जमीन छीनी जा रही है, बिना हमसे पूछे हमें हटा दिया जाता है, और किसी इंडस्ट्रियलिस्ट को, किसी अरबपति को हमारी जमीन दे दी जाती है, कोई मुआवजा, कोई कॉम्पेंसेशन नहीं मिलता, हमें परे कर दिया जाता है, और हमारी जमीन, हमारी मां उद्योगपतियों के हवाले कर दी जाती है। और यहां भी वही काम हो रहा है, इसलिए आपने अनंत के लिए ऐसी ताली बजाई, क्योंकि यह आपकी जमीन के हक के लिए लड़ रहा है, आपके भविष्य के लिए लड़ रहा है। इसने कहा कि हम लड़ेंगे, इसको कहना चाहिए हम जीतेंगे।
आदिवासियों के साथ मेरा मेरे परिवार का बहुत गहरा रिश्ता है। मैं आपको एक कहानी बताना चाहता हूँ। मैं छोटा सा लड़का था, 6-7 साल का। दादी ने मुझे, इंदिरा जी ने मुझे एक किताब दी, मुझे सबसे अच्छी लगती थी, उसमें फोटो की किताब थी। तो उन्होंने मुझे एक किताब दी, इतनी बड़ी थी, फोटो की किताब थी। 6 साल का बच्चा था, मुझे आदिवासियों के बारे में इतना मालूम नहीं था। किताब का नाम था तेंदू एक आदिवासी बच्चा, और उसमें किताब एक आदिवासी बच्चे के बारे में थी, और सारे के सारे चित्र, सारे के सारे फोटो जंगल के बारे में, उस बच्चे के बारे में, उसके जीने के तरीके के बारे में थे। और मैं दादी के साथ ये किताब पढ़ता था, दादी मुझे समझाती थी, फोटो दिखाती थी। एक दिन मैंने दादी से पूछा, दादी ये जो किताब है ये मुझे सबसे अच्छी लगती है, आपको इस किताब के बारे में क्या लगता है? तो दादी कहती हैं कि राहुल, ये जो किताब है ये हमारे आदिवासियों के बारे में किताब है, ये हिंदुस्तान के पहले और असली मालिक हैं। ये हिंदुस्तान के पहले और असली मालिक हैं। और फिर उन्होंने कहा कि अगर तुम्हें हिंदुस्तान समझना है तो आप आदिवासियों को, उनके जीवन को, और जो उनका रिश्ता जल, जंगल और जमीन के साथ होता है उसको समझ लो। और उन्होंने आदिवासी शब्द प्रयोग किया। आदिवासी मतलब जो सबसे पहले यहां पे रहते थे। ये मैंने आपसे बहुत गहरी बात बोली है। मैं आपसे कह रहा हूं कि इस देश के पहले मालिक आप हो। मतलब आपसे यह देश लिया गया है। अब एक दूसरी विचारधारा है। बीजेपी के लोग आपको आदिवासी नहीं कहते, क्या कहते हैं आपको? वनवासी। वनवासी। वो आपको ये नहीं कहते कि आप हिंदुस्तान के पहले मालिक हो, वो आपको कहते हैं आप जंगल में रहते हो। फरक समझ में आया? मतलब वो ये नहीं चाहते कि आप शहरों में रहो, कि आपके बच्चे इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, हवाई जहाज उड़ाना सीखें, अंग्रेजी बोलें। वो ये नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि आप जंगल में रहो, मगर वहां नहीं रुकते। उसके बाद वो आपसे जंगल छीनने का काम शुरू कर देते हैं। सही बात? तो आज से अगर इनका काम चलता गया, 5-10 साल बाद सारा का सारा जंगल इनके 2-3 उद्योगपतियों मित्रों के हाथ में होगा, और आपको रहने की कोई जगह नहीं होगी, आपकी शिक्षा नहीं होगी, आपको स्वास्थ्य नहीं मिलेगा, आपको रोजगार नहीं मिलेगा।
आदिवासी शब्द का मतलब यह देश आपका था और इस देश में आपको हक मिलने चाहिए, आपको रोजगार मिलना चाहिए, आपको स्वास्थ्य और शिक्षा, आपके बच्चों को स्वास्थ्य और शिक्षा मिलनी चाहिए। वनवासी का मतलब जो भी आपका है वो दो तीन उद्योगपतियों के हवाले कर दिया जाए, आपको कोई हक ना मिले, आपको शिक्षा स्वास्थ्य ना मिले, आपके बच्चों को रोजगार ना मिले। ये दो अलग अलग दृष्टिकोण है। इन शब्दों का ये मतलब है। आप वनवासी नहीं हो, आप आदिवासी हो और यह देश आपका है। था और रहेगा और इस देश में आपकी जमीन की रक्षा होगी, आपको शिक्षा मिलेगी, स्वास्थ्य मिलेगा और आपके बच्चों को, युवाओं को रोजगार मिलेगा। हम पैसा कानून लाए, पूरे देश में जमीन अधिकार बिल लाए, फॉरेस्ट राइट एक्ट लाए, आपकी रक्षा करने के लिए। जो आपका जल है, आपकी जमीन है, आपका जंगल है, वो आपको वापस देने के लिए क्रांतिकारी कानून थे। मगर बीजेपी की सरकार ने इन कानूनों को लागू नहीं किया, कहीं भी नहीं किया। जहां भी इनकी सरकार है इन कानूनों को ये कमजोर करते हैं, लागू नहीं करते हैं। यह फर्क है हम में और उनमें। हमने आपको मनरेगा दिया, रोजगार दिया, स्कॉलरशिप्स दी, बच्चों को जमीन का अधिकार दिया, ये आपको नहीं देते। ये सिर्फ आपकी जमीन आपसे छीनते हैं। आपके सामने निर्णय है, एक तरफ कांग्रेस है आदिवासी, दूसरी तरफ बीजेपी है वनवासी, एक तरफ आपकी जमीन, आपके हक, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, दूसरी तरफ दुख और आपके सारे के सारे सपने अधूरे। हम चाहते हैं कि जो आपकी हिस्ट्री है, इतिहास है, जीने का तरीका है, उन सब की रक्षा हो। आजकल दुनिया में लोग एनवायरनमेंट की बात करते हैं, बड़े बड़े कॉन्फ्रेंस होते हैं, पूरी दुनिया के नेता मिलते हैं, एनवायरनमेंट की बात होती है। एनवायरनमेंट के बारे में हमारे आदिवासी भाइयों को इन सब नेताओं से ज्यादा मालूम है। जंगल के बारे में, जमीन के बारे में, जल के बारे में आप सबको सिखा सकते हो। और हमारा काम, सरकारों का काम, नेताओं का काम आपकी आवाज सुनने का काम है। जैसे हम भारत जोड़ो यात्रा में कर रहे हैं, हवाई जहाज में नहीं, हेलीकॉप्टर में नहीं, सड़कों पर चलकर, पैर पे छाले लगवाकर आपकी बात सुनने का हमारा काम है। आप सब यहां दूर दूर से आए, इतनी गर्मी में आए, मैं दिल से आपका धन्यवाद करना चाहता हूं। आप इतनी मोहब्बत देते हो, इतना प्यार देते हो, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।